जहां गुमला के पुराना बस डिपो धुंधुड़िया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें जमीन की लूट हो रही है, राज्य में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस वजह से युवा पलायन कर रहे हैं। कार्यक्रम में सांसद सुदर्शन भगत और सांसद समीर उराव मौजूद रहे। अखंड राज्य भी बना है तो बीजेपी के राज्य में बना है। अब याद करिए, झारखंड की लड़ाई तो यहाँ के लोग वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंड वासियों के मान और सम्मान नहीं रखा। उन्होंने बल्कि यहाँ के नेताओं को खेलाते रहे, खिलाते रहे और जेल में भी डालते रहे, किसी को छुपा हुआ नहीं है। हेमंत सोरेन कहते हैं, शिबू सोरेन कहते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़े थे। हमने कहा कि जितना लड़ाई लड़े थे उतना तो नरसिंह राव से वसूल कर लिए और बदले में जो बचा था वो जेल भी जाना पड़ा। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के घर के लिए जो पैसे भेजते हैं बनाने के लिए, उसमें भी ये कमीशन खोरी होती है और उस पैसे को भी ठीक से हेमंत सोरेन जी गरीबों के यहाँ तक पहुँचा नहीं पाते, उसको भी रास्ते में इधर उधर करते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।